देखिए गंगा सागर से मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज इस वक्त में और मेरी टीम गंगा सागर के पास मौजूद है और एक गेट नंबर 4 यानी इसके अलावा घाट नंबर 5, 4 और 6 को जाने वाला ये रास्ता है। यहाँ पर कई गाड़ियाँ लगी हुई है, छोटे छोटे दुकानदार जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चलाते। सामने है वो कपिल मुनि का मंदिर और जिसको कि कपिल मुनि की तपस्थली भी कहा जाता है गंगा सागर को। यहाँ पर मुझे होटल वाले लोग हैं, जरा पूछ के देखता हूँ। सर यहाँ पर जो है ये कितने बजे ज्वार आता है? कितने बजे आते हैं ज्वार? वो आएगा अभी 7 बजे ज्वार आएगा। अच्छा, और फिर कितने बजे कम हो जाता है? 7 बजे आएगा तो 12 बजे, रात 12 बजे हट जाता है। फिर सुबह कितने बजे आप दुकान लगाते हैं? हम सुबह दुकान 6 बजे। अच्छा, काम ठीक चलता है, 6 बजे दुकान लगा। आपका गाँव यही नजदीक पड़ते क्या? अच्छा, काम डेली रहता है ठीक ठाक? डेली आदमी आएगा तो काम ठीक होता है। अच्छा, आदमी नहीं आएगा तो राइट। क्या आप खाना बनाते हो? देखो इस तरह खाने की व्यवस्था, कितने रुपए खाने लगाते हैं? आपका क्या नाम है? सीताराम राय। सीताराम, अच्छा ये बताइए चुनाव को लेकर के क्या बोलना चाहते हैं आप? चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको क्या आने? अच्छा, आपको फिर भी आप क्या बोलना चाहते? कमल जो अभी प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? वो मालूम नहीं है हम लोग। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? क्या है बंगाल में आपका? अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप भी यहाँ दुकान थामती हैं, डेली कस्टमर आते हैं, ठीक है, अच्छा काम होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। अक्सर आते तो रहते हैं, तो गंगा सागर है, बहुत पवित्र स्थल है ये। और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात करो, यहाँ लोग अपने पिंड देने के लिए, अपने पूर्वजों को पिंड देने के लिए पहुँचते हैं। बहुत बड़ा तप्पड़ मैदान, यहाँ पर मेला भी लगता है, अनेकों नए शौचालय भी बने मुझे नज़र आ रहे हैं। जब यह मेला होता है तो इस मैदान में मेला लगता है।